तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एडुकेशन मेकर। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं BHU CHS के लेटेस्ट अपडेट के बारे में और स्टूडेंट को जो कन्फ्यूजन हो रहा है एडमिशन को लेकर के क्लास 11th में उसके बारे में। तो सबसे पहले आप ये जान लो कि अभी तक BHU की तरफ से कोई भी लेटेस्ट अपडेट नहीं आया है। जो भी लेटेस्ट अपडेट आया है उन सभी के ऊपर हमारे तरफ से ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, तो उन सभी वीडियो को आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी बात करें जो भी लेटेस्ट अपडेट आता है उसे देखने के लिए आपको BHU के वेबसाइट BHUonline.in पर ही आना होता है। जो भी लेटेस्ट अपडेट आ रहा है CHS के रिगार्डिंग क्लास 11th में के लिए वो आपका इसी वेबसाइट पर आ रहा है। यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको स्कूल एडमिशन का सेक्शन दिखेगा। जो भी अपडेट आपका आना है इसी सेक्शन के अंदर आना है, इसके बाहर कोई भी अपडेट आपका नहीं आएगा। इसके अलावा भी काफी सारे स्टूडेंट कमेंट करके ये बोल रहे हैं कि मेरिट लिस्ट रिलीज किया गया है और मेरिट लिस्ट में उनका नाम नहीं है, उन्होंने कट ऑफ क्लियर कर लिया है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो किसी भी तरीके का मेरिट लिस्ट यहाँ पर रिलीज नहीं किया गया है। क्लास 11th में एडमिशन के लिए BHU की तरफ से अभी तक टोटल 4 नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। पहला जो नोटिफिकेशन है आपका काउंसलिंग का गर्ल्स के लिए, दूसरा नोटिफिकेशन जो रिलीज किया गया है काउंसलिंग का बॉयज के लिए, उसके बाद बॉयज का कट ऑफ और यहाँ पे गर्ल्स का कट ऑफ रिलीज किया गया है। इसके अलावा यहाँ पे कोई भी नोटिफिकेशन CHS की तरफ से नहीं रिलीज किया गया है मेरिट लिस्ट के रिगार्डिंग, जो कि स्टूडेंट कमेंट करके बोल रहे हैं कि उनका नाम नहीं आया है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि आप इधर उधर की वीडियो को मत देखो, कोई भी मेरिट लिस्ट यहाँ पे CHS की तरफ से रिलीज नहीं किया गया है। उसके अलावा काफी सारे स्टूडेंट का कमेंट ये भी आ रहा है कि किन्हें काउंसलिंग के लिए जाना है और नहीं जाना है और किन स्टूडेंट को मेल आया या फिर नहीं आया है। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग जो मेल का कंफ्यूजन को क्लियर कर लेते हैं। तो CHS की तरफ से एक नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था जो कि 18 अगस्त को रिलीज किया गया था सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल की तरफ से, जिसमें आपका मेल के बारे में बताया गया था कि जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है उन्हें इन्फॉर्म किया जाएगा मेल के थ्रू। बट इसके अलावा हम लोग बात करें बॉयज के नोटिफिकेशन के बारे में, सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल की तरफ से 20 अगस्त को यह नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था काउंसलिंग के डेट के बारे में, यहां पे बताया गया था बॉयज के लिए। बट यहां पे मेल के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट नहीं दिया गया कि मेल स्टूडेंट को जाएगा या फिर नहीं जाएगा। इसके अलावा पर्सनली मैं बात करूं तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी स्टूडेंट को भी मेल गया है BHU की तरफ से या फिर जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी अपडेट नहीं है। यहाँ पे जो BHU की तरफ से टेलीफोन नंबर दिया गया, मैंने इस पे भी कांटेक्ट करने का कोशिश किया, बट ये जो नंबर है ये आपको रॉन्ग बता रहा है या फिर लग ही नहीं रहा है। कॉल आप भी कनेक्ट करके देख लेना, यहाँ पे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है BHU की तरफ से। आप ये समझ सकते हो कि किसी स्टूडेंट को मेल यहाँ पे नहीं आया है। अगर किसी स्टूडेंट को मेल आया तो प्लीज वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता दें। बाकी मुझे लगता है कि अभी तक किसी भी स्टूडेंट को मेल यहाँ पे CHS की तरफ से नहीं गया है। तभी हमें बात सामने निकल के आता है कि किन किन स्टूडेंट को काउंसलिंग के लिए जाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात कर लें बॉयज के बारे में कि किन्हें जाना है काउंसलिंग के लिए। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले डेट ऑफ काउंसलिंग देख लेना। तो बॉयज का जो काउंसलिंग यहाँ पे 25 अगस्त से शुरू है जो कि 27 अगस्त तक चलने वाला है, तो आपको 25 को जाना है। रिपोर्टिंग टाइम आपका 8 बजे है, काउंसलिंग का जो टाइम है वो आपका 10 से 12 तक चलने वाला है, तो आपको 8 बजे तक CHS पहुंच जाना है। तो किन स्टूडेंट को पहुंचना है, तो सबसे पहले यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट हैं वो अपना सब्जेक्ट चेक करेंगे और कैटेगरी चेक करेंगे कि वो जनरल कैटेगरी से आते हैं या अनरिजर्व से आते हैं या फिर OBC से आते हैं। तो उनका यहाँ पे वो कट ऑफ चेक करेंगे मैथ्स बायोलॉजी और आर्ट्स ग्रुप का। अगर आपका कट ऑफ मिनिमम जो यहाँ पे दिया गया है फॉर एग्जाम्पल मैथ्स ग्रुप का अनरिजर्व का यानी कि जनरल का 92.5 दिया गया है, तो अगर आपका 10th में 92.5 आया है या फिर इसके अबव आया है तब आपको काउंसलिंग के लिए जाना है। अगर इसके नीचे आया है तब आपको काउंसलिंग के लिए नहीं जाना है। अब आपको वेट करना है सेकंड काउंसलिंग के डेट के रिलीज होने का। अगर फर्स्ट काउंसलिंग के बाद भी सीट बचता है तब यहाँ पे CHS की तरफ से सेकंड काउंसलिंग का डेट रिलीज किया जाएगा। यहाँ पे आप कट ऑफ मैच कर लोगे, अगर मिनिमम आपका ये कट ऑफ आया है तभी आप इसके लिए जाओगे। यहाँ पे बॉयज वाले अपना चेकआउट कर लेंगे उनका क्या कट ऑफ है। उसके अलावा यहाँ पे BHU वार्ड का भी बताया गया, तो सभी आप अपना कट ऑफ चेक कर लोगे। कमेंट सेक्शन में कमेंट ही काफी ज्यादा आ रहा है कि सर मेरा इतना परसेंट आया है, क्या मुझे जाना है या फिर नहीं जाना है। सबसे बेहतर यही है कि आप इस PDF से अपना कट ऑफ मिला लो। जो PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, तो टेलीग्राम चैनल से जाकर आप इस PDF को जरूर डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे गर्ल्स के लिए सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, जिसमें आपको रिपोर्टिंग टाइम 8:30 बजे दिया गया है और जो काउंसलिंग आपका 10 बजे से लेकर 12 बजे तक चलने वाला है। इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है तो आप उसे चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे बात करें किन किन गर्ल्स को काउंसलिंग के लिए जाना है, तो यहाँ पे आपका कट ऑफ दिया गया है काउंसलिंग का जितने भी गर्ल्स कैंडिडेट है जनरल OBC ST से, तो वो यहाँ से अपना कट ऑफ मिला लेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई गर्ल्स जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती है और उन्हें मैथ्स में एडमिशन लेना है क्लास 11th में, तब वो देखेंगे कि उनका क्लास 10th में मिनिमम 97% आया है या नहीं आया है। अगर आपका मिनिमम 97% आया है या फिर इसके अबव आया है तब आपको यहाँ पे काउंसलिंग के लिए जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हो उसी तरीके से आप सभी सब्जेक्ट और सभी कैटेगरी का चेक कर लेना कि क्या कट ऑफ गया CHS की तरफ से और आपका क्या मार्क्स आया है 10th में, उसी के अकॉर्डिंग आपको काउंसलिंग के लिए यहाँ पे जाना है। तो यहाँ पे आप ये सभी चीज़ों को देख सकते हो। बाकी अभी तक मेल के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट नहीं है कि किसी भी स्टूडेंट को मेल किया गया CHS की तरफ से एडमिशन की रिगार्डिंग। तो कोई भी अपडेट आता है तो आपको इसी चैनल पर मिलेगा। चैनल पर नए हो अभी भी तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना। क्वेरी और डाउट अभी भी बचता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो।